फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी इफ्तार के लिए कुनाफा बनाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी है, नमकीन खा कर हम थक गए, तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को लाजमी देखिए, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे एक कटोरी भरकर कच्चा दूध डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भरकर शक्कर, चीनी, इसको भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अमूल क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो कौन सा भी क्रीम ऐड कर सकते हैं या चीज़ क्रीम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रीम अलग, चीज़ अलग डाल रही हूँ। और यहाँ पर 1 कटोरी भर का चीज़ है, इसको अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुका है, तो हम इसको अब गैस पर चढ़ा कर इसी तरह से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो रखकर यहाँ पर देखिए इसकी टेक्सचर एकदम गाढ़ा हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीज़। चीज़ को भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत गाढ़ी बनी है। इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए क्रीम का। अब इसको हम साइड पर रखेंगे और दूसरे पैन में यहाँ पर हम 50 ग्राम शक्कर ली हूँ मैं, और उसके साथ ही जिस कप से मैं शक्कर ली हूँ उसी कप से हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप, और शक्कर को अच्छे से गुला लेंगे, एक शीरा टाइप को बना लेंगे। इसमें तारे बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें शक्कर गुलाना है बस। इसको भी अच्छे साइड पर रख देंगे। यहाँ पर सेवियाँ देखिए, जो हम ईद पर सेवियाँ बनाते हैं वही सेवियाँ हैं। इसको हम एकदम बारीक तोड़ लेंगे। ईद के बाद भी आप ये बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी है। बासी ईद पर भी बना सकते हैं। इस तरह से एकदम बारीक बारीक तोड़ लेना है। यहाँ पर 1 कटोरी में मेल्ट हुआ बटर ली हूँ, उसमें हम 2 चुटकी भर कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर डाल रही हूँ मैं, अच्छी तरह से कलर को भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ये सारा बटर है ना सेवैयाँ में मिला देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से मिक्स होना चाहिए बटर, सेवैयाँ को इस तरह से लगना चाहिए। इसको अब साइड पर रख देंगे। यहाँ पर एक पैन ली हमें छोटा वाला, इसको अच्छे से बटर ग्रीस कर लेंगे। खूब अच्छे से लगाना है बटर हमें, यहाँ पर कंजूसी ज़रा भी नहीं करना है। इसके बाद और एक पैन लेंगे, इससे बड़ा वाला लेंगे ये, इसको भी खूब अच्छे से बटर लगा लेंगे। ख्याल रखें कि जो पैन आप पहले जिसमें आप कुनाफा सेट कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, बाद में जिसमें हम पलटाएंगे वो बड़ा होना चाहिए। इस तरह से ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, पहले हम कुनाफा इस छोटे वाले में सेट कर लेंगे, इसको साइड पर रख देंगे। चलिए अब हम कुनाफा सेट करेंगे। सबसे पहले बटर में जो हमने मिक्स कर लिया है ना, उस सेवैयाँ को इसमें ऐड कर देंगे। ये ख्याल रखें कि सेवैयाँ हमें आधा डालना है, आधे सेवैयाँ बाकी बचाना है। इस तरह से खुला खुला डालेंगे सारे सेवैयाँ को, आधे सेवैयाँ इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं आधे सेवैयाँ डाल चुकी हूँ। इसको हम एक स्टील के गिलास या कटोरी किसी से भी इस तरह से हल्का हल्का दबा कर अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, चम्मच या कोचूरा की मदद से उसके किनारे अच्छे से गोल बना लूँगी। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मैंने यहाँ पर गोल बना लिया है, देख सकते हैं। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे जो हमने बना लिया है, एकदम बीचों बीच डालेंगे क्रीम। यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरी भी डाल सकते हैं, थोड़ा मेरा ज़्यादा ही बन चुकी है क्रीम। और किनारों पर हम 1-1 इंच बाकी रखेंगे क्रीम, पूरा किनारों तक नहीं डालेंगे। इस तरह से हल्का सा फैला लेंगे, लेकिन किनारों पर नहीं डालेंगे क्योंकि पिघल कर बाहर निकल जाएगी वो, इसलिए किनारों पर नहीं डालेंगे, बीचों बीच डालेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने क्रीम को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम और एक लेयर सेवियाँ यहाँ लगाएंगे। सेवियाँ से अच्छी तरह से हम क्रीम को कोट कर लेना है, क्रीम नज़र नहीं आनी चाहिए, उतना हम इस पर सेवियाँ ऐड कर देंगे।
का सूप। इसी तरह से बुरबुराते हुए डालेंगे सेवैयों को और चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अच्छे से डाली सेवैयाँ इसी तरह से उसको बॉलर पे सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम माइक्रोवेव में नहीं, ओवन में नहीं बना रहे हैं, इसको हम तवे पर ही बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक पुराना वाला तवा 5 मिनट हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया। उसके ऊपर हम रखेंगे ये कुनाफा का जो पैन है ना, उसको रखेंगे। 8 से 10 मिनट इसको हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बेक कर लेंगे। तवे को मैं खूब अच्छे से गर्म कर ली थी, उसके बाद हम पैन रखे हैं। यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। इसको हम पलटा लेंगे बड़े वाले पैन में इस तरह से। बहुत टफ होता है ये पलटाना भी, इसी में बहुत ये है, लेकिन माशाल्लाह से मेरा अच्छे से पलट चुका है और ये नीचे का जो साइड है ना वो अच्छे से भी पक चुकी है। अब हम इस तरह से पलटा कर भी इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। यहाँ पर दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक की हूँ। अब इसको हम सेट कर लेंगे। मैं एक इसको एक प्लेट में ले ली हूँ। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर पिस्ता को मैं दरदरा सा कूट ली हूँ, उसको हम इसके किनारों पर अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। या तो आप शीरा डालकर भी सेट कर सकते हैं या डालकर भी शीरा इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बीच में भी थोड़ा सा हम लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने शीरा बना लिया है ना, वो शीरा इसके ऊपर ऐड कर देंगे और 10 से 20 मिनट तक इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पर आधा शीरा डाली हूँ, आधा हमें बचा कर रखी हूँ, क्योंकि जब सर्व करेंगे ना उसके साथ में भी देना बहुत टेस्टी लगेगा डालकर खाने से। यहाँ पर 20 मिनट में फ्रिज में रखी थी, हल्का सा सेट हो चुका है तो आपको मैं बता रही हूँ चेक करके। प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करना। या बासी ईद पे बनाइए या इफ्तार में बनाइए, ज़रूर बनाइए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कुनाफा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलामुअलैकुम। खाइए, इंजॉय कीजिए।